Hello students, I welcome you all to the online class. Today we are starting a very interesting and new chapter, coordination chemistry. कई बार तुमने इसके बारे में सुना होगा, हमने क्लास में भी चर्चा किया है कि ये पर्टिकुलर चीज को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाएंगे, ऐसा कई बार हमने बोला है. तो आज वो दिन आ गया है जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देने वाले हैं. तो देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक और नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. तो कई सारे बुक में तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का चैप्टर नहीं मिलेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाम का चैप्टर मिलेगा. तो नाम से ही क्लियर है कि ये कॉम्प्लेक्स टाइप का है. दिखता कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसकी पढ़ाई बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं. तो देखो, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं. किसके बारे में पढ़ते हैं? सॉल्ट. सॉल्ट मतलब केटायन एनायन का कॉम्बिनेशन, जैसे NaCl, तो केटायन हो गया और Cl माइनस, Na प्लस केटायन, Cl माइनस एनायन. तो जनरली केटायन एनायन के कॉम्बिनेशन को सॉल्ट बोलते हैं. तो सॉल्ट भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है. एक तो सिंपल सॉल्ट हो गया, जैसे NaCl हो गया, एक केटायन एक एनायन से मिल करके, ठीक है. उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेटेड सॉल्ट होते हैं, जैसे KCl, MgCl, 2.6H2O, ठीक है ना, कार्नालाइट जिसका नाम है. तो इस तरीके से अलग अलग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्ट भी हो सकते हैं और सिंपल सॉल्ट भी हो सकते हैं. तो हम लोग सिंपल सॉल्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो तो पढ़ लिया हमने. कहाँ? आयनिक इक्विलिब्रियम में, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में. सिंपल NaCl सॉल्ट है, CH3COONA है, तो इन सब के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है. जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं या जो बड़े बड़े सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, या फिर जिसको बोलोगे मिक्स्ड सॉल्ट. मिक्स्ड सॉल्ट का मतलब सॉल्ट में दो आ गया, सिंपल और दूसरा हो गया मिक्स्ड. सिंपल सॉल्ट डेफिनेशन वगैरह कुछ याद नहीं करना है, बस समझो, कोई डेफिनेशन नहीं पूछने जा रहा है तुमसे. सिंपल सॉल्ट का मतलब क्या है? जैसे NaCl हो गया एक सिंपल सॉल्ट, KCl एक सिंपल सॉल्ट है, CH3COONA, एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट है, ये सब सिंपल सॉल्ट है. मिक्स्ड सॉल्ट मतलब दो सॉल्ट को मिक्स कर दो, जैसे KCl, MgCl2, 2.6H2O. तुम बोलोगे सर इसको अलग अलग क्यों नहीं लिख देते हैं? KCl को अलग लिख दीजिए, MgCl को अलग लिख दीजिए, MgCl2 को अलग लिख दीजिए, वाटर को अलग लिख दीजिए. लेकिन नेचर में ये लोग एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, इस फीसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. KCl एक मोल रहेगा, एक मोल MgCl2 रहेगा और 6 मोल वाटर, ऐसा कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है नेचर में. तो इस पूरे को एक ही सॉल्ट के नाम से बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट. जैसे इसका नाम है कार्नालाइट, कार्नालाइट, ठीक है. वैसे ही एक होता है K2SO4, K2SO4, Al2SO4 होल थ्राइस, .24H2O. क्लियर है ना? ये भी एक सॉल्ट है, K2SO4 एक सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट है, लिख लो इधर K2SO4 एक सॉल्ट है, Al2SO4 उल्ट्राइस एक अलग सॉल्ट है. लेकिन नेचर में K2SO4, Al2SO4 उल्ट्राइस और 24H2O एक साथ मिलता है, तो इसको ये एक मिक्स्ड सॉल्ट हो गया. कैसा सॉल्ट हो गया? मिक्स्ड सॉल्ट हो गया. इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोटास एलम, पोटास एलम, ALUM. पोटास मतलब पोटेशियम, एलम मतलब एल्युमिनियम, या इसका हिंदी में नाम है फिटकरी. लिखेंगे नहीं, अच्छा नहीं लगता है. फिटकरी मतलब नोट्स में अच्छा नहीं लगता है. हिंदी बोलना मुझे बहुत पसंद है, हिंदी लैंग्वेज मुझे बहुत पसंद है, नोट्स में लिखना ठीक लगे तो लिख लो. फिटकरी बोलते हैं हिंदी में इसको.
पोटास एलम इसका नाम है, ठीक है। एक और सॉल्ट है जिसका नाम है मोर सॉल्ट, MOHR। ये तुम्हारा ड्यूटी है पता करना कि मोर सॉल्ट क्या है, का फॉर्मूला क्या। चलो लिख देते हैं यहां पर हम, और तुम्हें अगले क्लास में आने से पहले मोर सॉल्ट के बारे में पता करना कि मोर सॉल्ट क्या है, ठीक है। चलो पोटास एलम, मोर सॉल्ट, ये सभी कॉम्प्लिकेटेड सॉल्ट है, यानी मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट मतलब दो सॉल्ट के जुड़ने से बनता है। तो इसके दो कैटेगरीज हैं। अब आ जाते हैं मिक्स्ड सॉल्ट पर। मिक्स्ड सॉल्ट इज डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, मिक्स सॉल्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी है डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। ये तो क्लियर है कि मिक्स सॉल्ट दो सॉल्ट के मिलने से बनता है, तो डबल सॉल्ट किसको बोलते हैं? दो सॉल्ट के मिलने से ऐसा सॉल्ट जैसे KCl प्लस MgCl2 और कुछ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, तो KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। दो सॉल्ट के मिलने से बना हुआ ऐसा सॉल्ट जिसको अगर एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, एक्वस सॉल्यूशन में डालो तो इससे जो आयंस मिलेंगे, कौन कौन से आयंस मिलेंगे? इससे आयंस मिलेंगे तुम्हें के प्लस, कोई दिक्कत? सीएल माइनस, Mg+2, Cl- यहां से भी आएगा, तीन Cl- मिल जाएगा, ठीक है। ये तीन आयंस मिलेंगे, K प्लस मिलेगा, Cl- मिलेगा, Mg+2 मिलेगा। और इस दोनों सॉल्ट को अगर अलग अलग पानी में डाल दो, जैसे एक कंटेनर ले लिए, पानी भरा हुआ उसमें, तो या तो उसमें ये पूरा एक मिक्स्ड सॉल्ट डाल दो, उसके अंदर मिला दो, या फिर एक काम करो, एक कंटेनर में पानी लेके पहले KCl डाल दो अलग से, फिर MgCl डाल दो अलग से, छह वाटर के मॉलिक्यूल भी डाल दो तुम्हारी इच्छा है तो, लेकिन वाटर तो ऑलरेडी लिए हो अंदर में। तो इसको अगर अलग अलग करके तुम पानी में डालोगे एक्वस सॉल्यूशन, तो कौन से आयंस मिलेंगे? KCl से मिल जाएगा K+ और Cl-, और MgCl2 से मिल जाएगा Mg+2 और Cl-, तो यहां लिखी दिए। तो इंडिविजुअल सॉल्ट को पानी में डालने से जो आयंस मिलते हैं, वही आयंस मिक्स्ड सॉल्ट को पानी में डालने से मिल जाए अगर, तो बोलते हैं इसको डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट। लिख लो, डबल सॉल्ट इज अ कंपाउंड, ये ऐसा कंपाउंड है, डबल सॉल्ट इज अ कंपाउंड इन विच आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल सॉल्ट, जो अलग अलग सॉल्ट है इसका आइडेंटिटी रिटेन रहता है, इन विच आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल सॉल्ट इज रिटेन्ड, आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल सॉल्ट इज रिटेन्ड, अलग अलग सॉल्ट का आइडेंटिटी रिटेन रह जाता है। KCl अपना आइडेंटिटी मेंटेन कर रखता है, भले ही ये एक कंपाउंड बन गया है, ये लोग एक पैक्ट के अंदर आ गए हैं, एक समूह के अंदर आ गए हैं, एक ग्रुप बना लिए हैं, लेकिन KCl अपना आइडेंटिटी मेंटेन रखता है, MgCl2 अपना आइडेंटिटी मेंटेन रखता है। आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल सॉल्ट इज मेंटेन्ड, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? आइडेंटिटी मेंटेन का मतलब, करने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इन सॉल्ट को पानी में डालोगे, मिक्स सॉल्ट को पानी में डालने से वही आयंस मिलेंगे जो इंडिविजुअल सॉल्ट को पानी में डालने से मिलता है। That is, in aqueous solution, it will give the same ions
it will give the same ions as that of individual salts in aqueous solution. It will give the same ions as that of individual salts in aqueous solution. Individual salt को aqueous solution में डालोगे तब जो ions मिलेगा, इन दोनों को अलग अलग करके aqueous solution में डाल दो तब जो ion मिलेगा वही ion तुम्हें तब भी मिलेगा जब तुम mixed salt को directly पानी में डालो. यानी कि इस mixed salt के अंदर KCl का अपना properties retained है, MgCl2 का अपना properties retained है. ये लोग पैक्ट तो बनाए हैं, एक समूह तो बनाए हैं, लेकिन अपनी अपनी पहचान लिए हुए हैं सब. इसलिए इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट. डबल मतलब दो सॉल्ट. इधर भी दो था, अलग अलग थे, इधर जुड़ गया तो भी दो है. अगला कैटेगरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कुछ भी बोलो तुम. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? जैसे FeCN2 एक सॉल्ट है, कोई दिक्कत बहुत सही, ये सॉल्ट है. इस सॉल्ट में मिला दो चार KCN, ठीक है. क्या बनता है यहां से? यहां से बनता है FeCN2 डॉट 4 KCN. ये मिल गया एक, इस दोनों का पैक्ट हो गया. पैक्ट मतलब जुड़ाव, दोनों जुड़ गए. इसको जब एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं और इस दोनों को अलग अलग एक्वस सॉल्यूशन में डालो तो कहानी बदल जाती है. कहानी बदल जाती है. इस दोनों को एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो यहां से Fe प्लस 2 मिलेगा और साथ में CN माइनस मिलेगा. यहां से क्या मिलेगा? यहां से K प्लस मिलेगा और साथ में CN माइनस मिलेगा, जो लिख दिए. इस दोनों को अलग अलग पानी में डालोगे तो ये तीन आयन्स मिलेंगे टोटल. Fe प्लस 2, CN माइनस यहां से भी आएगा और यहां से भी आएगा और K प्लस आएगा. इसको पानी में डालोगे तो CN माइनस मिलता ही नहीं है, K प्लस मिलता है. K प्लस तो मिल जाता है, CN माइनस Fe प्लस 2 नहीं मिलता है. जब ये मिलना बंद हो जाए, क्या मिलना? जो आयन्स अलग अलग सॉल्ट को एक डब्बे में पानी में डालने से मिलता है, वही आयन्स अगर सॉल्ट के कॉम्बिनेशन को पानी में डालने से नहीं मिल रहा है तब इसको देखने में तो सेम लग रहा है भैया. देखने में जैसा इधर लिखे हैं वैसा ही लिखे हैं यहां पर भी, ठीक है ना. जैसा ही दोनों को जोड़ करके लिख दिए वैसा ही यहां पर लिख दिए, लेकिन इसको पानी में डालने से जब सेम आयन्स नहीं मिलेगा तब इसको डबल सॉल्ट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. तब इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका भी हम बदल देंगे. अभी तो हमने इसलिए रिप्रेजेंट किया है कि बस जोड़ के दिखा रहे हैं, लेकिन इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा, वो अलग तरीके से हमें इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है. लिख लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कंपाउंड फॉर्म्ड बाय two or more different salts such that
such that individual salts loses its identity, individual salt loses its identity when they combine. Individual salts loses its identity when they combine. जब ये combine करते हैं individual salt, तो ये अपनी identity को lose कर देते हैं. मतलब क्या हुआ, ये लोग अलग अलग मिल करके जो आयन पानी में देते हैं, वही आयन जब दोनों जुड़ जाते हैं तब पानी में नहीं मिलता है. तो बोलते हैं कि ये लोग अपना एग्जिस्टेंस, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान खो चुके हैं जुड़ने के बाद. क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड के अंदर CN- माइनस नहीं मिलता है, जो कि यहां से मिल सकता था. K प्लस तो मिलता है, लेकिन Fe प्लस टू भी नहीं मिलता है. तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अब तुम बोलोगे सर और एग्जांपल बताइए, तो चिंता मत करो, इस चैप्टर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही एग्जांपल एक एक करके लेंगे. सबसे पहले अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हेडिंग डाल दोगे और इसको पढ़ना शुरू करेंगे. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है? तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो देखो रिप्रेजेंट कैसे करना है वो तुम्हें बता देते हैं. इस तरीके से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं ये हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है ना? जैसे देखो ये जो कंपाउंड है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग. इसको रिप्रेजेंट करते हैं K4FeCN6. देखो इस कंपाउंड में टोटल कितने पोटेशियम है, 4 पोटेशियम है. टोटल आयरन कितना है, 1 आयरन है. CN कितना है, 2 CN यहां है, सॉरी CN2 यहां पर है, CN2 बाहर है, 2 CN यहां है और 4 CN यहां पर है. 4 KCN है तो 4 CN, 6 CN आ गया. इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत? तुम बोलोगे आपने ऐसा क्या दिमाग लगाया कि Fe के साथ CN को जोड़ दिया. ये सब पर हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना? पहले देख लो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन जहां भी दिखे तुम्हें, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन जहां भी दिखे उसको मान लोगे वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. अलग अलग चीज को CN को ब्रैकेट में क्यों रखे, Fe के बाद क्यों रखे, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों रखे, इस सब पर चर्चा करेंगे डिटेल से. ये ऐसा हो सकता है, कभी कभी कुछ कंपाउंड ऐसे देखने को मिलेंगे जैसे कॉपर NH3 होल 4 SO4, इस तरीके से जब भी तुम्हें कंपाउंड देखने को मिले वो बोलते हैं उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है? इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है. इस रिप्रेजेंटेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इस तरीके से करते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले ये देखो कि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है, अगर इसको पानी में डालोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट की सभी चीजें एक साथ रहेंगी और इसके बाहर वाला चीज अलग हो जाएगा. तो देखो इसको अगर तुम डाल दिए एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, 4K+ अलग हो जाएगा, 4K+ अलग हो जाएगा और साथ में क्या बनेगा, FeCN6, ये एक साथ रहेंगे. अब 4K+ अलग किया तो इसके ऊपर नेट चार्ज 4- होना चाहिए, तो ये एक स्पीसीज अलग मिलेगा, ये अलग मिलेगा पानी में डालने के बाद. ये सारे एक साथ रहते हैं पानी में डालने के बाद, जितने चीज एक साथ रहते हैं सबको स्क्वायर ब्रैकेट से घेरते हैं. किससे घेरते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से घेरते हैं. और जो चीज पानी में डालने के बाद इससे अलग हो जाता है उसको अलग स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के
बाहर रखते हैं। यहां पर देखो, इसको अगर तुम पानी में डालोगे एक्वस सॉल्यूशन तो क्या होगा, SO4 2-, ये तो पड़े हो ना, H2SO4 से बनता है, ये अलग हो जाएगा और साथ में क्या अलग होगा, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट वाला चीज अलग हो जाएगा, CuNH3O4। अब देखो इधर नेट दो नेगेटिव है तो इस पर नेट दो पॉजिटिव होगा। कैसे नेट दो पॉजिटिव आया इस सब पर अलग से बात करेंगे, अभी चिंता मत करो, बस तुम देखोगे इसको पानी में डालने से जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो अलग हो जाता है। तुम बोलोगे यहां पर जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर उसको लेफ्ट में दिखाए हैं, यहां पर जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर उसको राइट में दिखाए हैं। तो इनऑर्गेनिक में एक कन्वेंशन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है, इनऑर्गेनिक में कन्वेंशन है कि पहले केटायनिक पार्ट को लिखते हैं। ये देखो ये केटायन है और ये क्या है, एनायन है, ANION, ये है केटायन, ये है एनायन। तो केटायन देखो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है ये अगर एनायन है तो ये बाद में लिखा जाएगा और ये वाला पार्ट अगर केटायन है तो पहले लिखा जाएगा। क्लियर है ना, केटायन हमेशा पहले लिखते हैं, जैसे NaCl देखो Na पहले लिखते हैं Cl बाद में लिखते हैं, MgCl2 Mg पहले Cl बाद में। तो इनऑर्गेनिक में ये कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि केटायन को पहले लिखना है, एनायन को बाद में, इसीलिए कोई दिक्कत। इसलिए जो चीज नहीं पानी में जाने के बाद टूटते हैं एक साथ रहते हैं उन सबको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं और जो अलग हो जाते हैं उसको अलग से दिखाते हैं। केटायन है तो पहले दिखा दिए अलग होने वाला चीज, अलग होने वाला चीज अगर केटायन है तो पहले दिखाओगे और अलग होने वाला चीज अगर एनायन है तो बाद में दिखाओगे। अब इनका अलग अलग नाम भी है, देखो जैसे देखो कोई भी एक एग्जाम्पल इसमें से लेते हैं, जैसे K4FeCN6, यहां पर दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इस एग्जाम्पल में जैसा K4 है दूसरे एग्जाम्पल में वैसा ही SO4 है, एग्जाम्पल हम एक ही लेके समझेंगे, वहां पर K4 का जो नाम देंगे यहां पर SO4 का वही नाम होगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अलावा स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो चीज है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फेयर। ये स्फेयर नहीं है, है तो स्क्वायर ब्रैकेट लेकिन बोलते कोऑर्डिनेशन स्फेयर, कोऑर्डिनेशन स्फेयर इसको बोलते हैं, पूरे को ध्यान रखना। या फिर और इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट, कॉम्प्लेक्स स्फेयर, या फिर और कॉम्प्लेक्स पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट भी बोलते हैं। और ये जो है जो अलग हो जाता है, जैसे वहां पर SO4 हो सकता है अलग, यहां पर ये हो सकता है, जो अलग हो जाता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फेयर, आयोनाइजेशन स्फेयर, और बोलते हैं इसको काउंटर आयन, इसका काउंटर, ठीक है ना, काउंटर आयन। यहां पर काउंटर आयन कौन सा है, SO4 है, तो इसका नाम है आयोनाइजेशन स्फेयर काउंटर आयन। कोई दिक्कत, एक और नाम होता है इसका बाद में बताएंगे कुछ याद आएगा तो, ठीक है ना। यही मेन ये दो नाम है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर और आयोनाइजेशन स्फेयर, ठीक है। चलो ये जो है ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर दो चीजें दिखाई देगा, एक मेटल दिखाई देगा तुम्हें और एक और उसके अलावा कुछ रहेगा। यहां पर भी देखो एक मेटल दिखाई दे रहा है और उसके अलावा कुछ है, ये मेटल भी जनरली डी ब्लॉक का मेटल मिलता है तुम्हें, ठीक है ना। तो एक मेटल दिखाई देगा उसके अलावा कुछ रहेगा, इसके अंदर जो मेटल है इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम बोलो या फिर मेटल बोलो, क्योंकि ये मेटल ही मिलते हैं जनरली, सेंट्रल मेटल, और इसको बोलते हैं लीगेंड, LIGAND, लीगेंड।
इसको क्या बोलते हैं, लीगेंड। कोई दिक्कत? चलो, तो ये हो गया एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। इसको आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है। ये हो गया सेंट्रल मेटल और ये हो गया लिगेंड। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक एक चीज को हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। देखो, तो ये जो आयनाइजेशन स्फीयर है या जो काउंटर आयन है, इसका कोई महत्व नहीं है एक्चुअली इस पूरे कंपाउंड में। क्यों महत्व नहीं है? क्योंकि पानी में डालते ही, देखो, जनरली केमिस्ट्री के जितने रिएक्शंस होते हैं, खास करके इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, सब पानी के अंदर होता है। और पानी में जैसे ही डालते हो, ये तो अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, इसका जरूरत ही नहीं है। हमें बेसिकली इसके बारे में पढ़ना है, ये चीज क्या है, क्लियर है ना? तो हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखो, यहां हेडिंग डालोगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक चीज होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल क्या है? इट एक्ट्स एज लुइस एसिड। ये लुइस एसिड जैसा एक्ट करता है। और दूसरा क्या है? लिगेंड। इट एक्ट्स एज लुइस बेस। लुइस एसिड का मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर। लोन पेयर एक्सेप्टर और लुइस बेस मतलब लोन पेयर डोनर। तो होता क्या है, देखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या होता है, सेंट्रल मेटल होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। किससे? लिगेंड से। लिगेंड के पास या तो लोन पेयर होगा या उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। लिगेंड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। किसके साथ? सेंट्रल मेटल के साथ। लिगेंड डोनेट्स इट्स लोन पेयर और लिगेंड फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूजिंग इट्स लोन पेयर। लिगेंड फॉर्म, इसके नीचे लिखोगे, इतना लिखने के बाद, लिगेंड फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूजिंग इट्स लोन पेयर। लिगेंड लोन पेयर को यूज करके अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। लिगेंड फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूजिंग इट्स लोन पेयर with central metal and hence this compound is called coordination compound. Ligand जो है central metal के साथ coordinate bond बनाता है अपने lone pair को use करके, इसीलिए इस compound का नाम कहलाता है coordination compound या फिर coordinate compound भी बोलते हैं। coordination compound वहीं से नाम आया। ये coordinate bond कैसे बनता है इस पर हम लोग बात करेंगे। पहले बात कर लिया जाए लिगेंड के बारे में कि लिगेंड कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो देखो, ये बात भी क्लियर है, जो लोन पेयर देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लुइस बेस कहलाएगा और जो लोन पेयर लेगा वो लुइस एसिड कहलाता है। सेंट्रल मेटल लुइस एसिड होता है और लिगेंड लुइस बेस होता है। ये तो क्लियर ही है। आगे बात करते हैं लिगेंड्स के बारे में। ठीक है, लिगेंड्स कौन कौन से हैं, कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले देखो, लिगेंड्स लुइस बेस है जिसके पास लोन पेयर होना है, इलेक्ट्रॉन होना है जो वो डोनेट करेगा। ये इनको कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है,
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन चार्ज, बेस्ड ऑन चार्ज, चार्ज के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो लिगेंड कैन बी तीन टाइप के होंगे। लिगेंड निगेटिवली चार्ज हो सकता है, सबसे पहले लिखो निगेटिवली चार्ज्ड, उसको नेगेटिव लिगेंड बोल दोगे या नेगेटिव चार्ज्ड बोलोगे। नेगेटिव चार्ज लिगेंड हो सकता है, जैसे देखो OH माइनस, यहां ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, एक मिनट फिर से बनाते हैं, 1 2 3 4 5, और ये छठा था जिससे बॉन्ड बन गया। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयर हो गया इधर से, ये दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर, ये लोन पेयर, और एक इलेक्ट्रॉन बच गया था। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बनाया तो 7 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से देना पड़ेगा इसको, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से देना पड़ेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम आउटसाइड, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से दिया गया, इसीलिए इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं हम लोग। क्या दिखाते हैं, एक नेगेटिव चार्ज। OH- का मतलब एक नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि O को ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है। कई बच्चे इस कंफ्यूजन में जीते रहते हैं कि नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, तो एक नेगेटिव चार्ज का मतलब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन। तो बाहर से तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, दिस इज आउटसाइडर। एक नेगेटिव चार्ज मतलब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन बाहर से जो एक इलेक्ट्रॉन आता है वो अंदर वाले एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के रहता है, इसके साथ रहता है। समझ गए बात को, देखो ये इलेक्ट्रॉन तो पहले से पेयर था, लोन पेयर था, कोई दिक्कत, ये इलेक्ट्रॉन भी पहले से पेयर था, लोन पेयर था। अब ये अनपेयर्ड था ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था, तो जब बाहर से आया तो वो इसके साथ मिल करके लोन पेयर बना लिया, लेकिन बाहर से कितना आया, एक इलेक्ट्रॉन आया, तो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया इसीलिए एक नेगेटिव चार्ज। लेकिन एक नेगेटिव चार्ज का मतलब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन अंदर में जो ये नेगेटिवली चार्ज वाला एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये किसी न किसी के साथ पेयर बना के रहता है। जो बाहर से आया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो अंदर के एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर बना के रहता है, इसलिए बाहर से आया हुआ इलेक्ट्रॉन भी पेयर फॉर्म में रहता है, लोन पेयर वो भी कहलाता है, वो भी लोन पेयर के फॉर्म में कहलाएगा। क्यों, क्योंकि अंदर वाले के साथ लोन पेयर बन गया, वो पेयर्ड हो गया है। लेकिन चूंकि बाहर से एक ही इलेक्ट्रॉन आया तो एक ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये कंफ्यूजन होता रहता है, एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन। तो एक नेगेटिव चार्ज मतलब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन, वो अंदर वाले एक के साथ मिलकर लोन पेयर बना लिया होगा। तो एक नेगेटिव चार्ज मतलब बाहर से एक आया है, लेकिन उस एटम पर लोन पेयर होगा जरूर से, अगर नेगेटिव चार्ज है तो। बाहर से अगर एक इलेक्ट्रॉन आया है तो अंदर का एक के साथ मिलकर वो पेयर बनाया होगा। समझ गए, तो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड OH माइनस हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे हैं, NH2 माइनस हो सकता है, Cl माइनस हो सकता है, Br माइनस हो सकता है, I माइनस हो सकता है, F माइनस, ये सब नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड है। क्लियर है ना, नेगेटिव चार्ज है यानी कि उसके पास लोन पेयर होगा, एक बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा और एक अंदर वाला मिलकर पेयर बना लिया होगा। दूसरा होता है न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, जैसे H2O वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अल्कोहल ROH एक न्यूट्रल लिगेंड है, अल्कोहल भी लिगेंड जैसा काम कर सकता है, अमोनिया भी लिगेंड जैसा काम कर सकता है, NH3 न्यूट्रल है लेकिन लोन पेयर है इसके पास।
लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है जिसको वो डोनेट करे, न्यूट्रल लिगेंड। और तीसरा क्या है? अब तो तीसरा सबको पता चल गया होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड कौन सा है? NO प्लस N डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5 होते हैं। दो से बॉन्ड बना लिया, दो चार, और एक जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था उसको निकाल दिया किसी ने, बाहर निकाल दिया, ये हो गया NO प्लस। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो ये भी एक लिगेंड है। ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज रखने वाला चीज के पास भी लोन पेयर हो सकता है और वो भी लिगेंड जैसा काम कर सकता है, जैसे NH2। ये क्या है? हाइड्राजीन है। इसमें एक H+, देखो एक लोन पेयर इसने H+ को दे दिया तो क्या हो जाएगा? NH3+ बन जाएगा, NH3+। इसने अपना लोन पेयर किसको दे दिया? H+ को दे दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। तब क्या किया? H+ को जोड़ के NH3+ दिखा दिया, इसका लोन पेयर H+ को चला गया है। इसके पास वाला लोन पेयर बचा हुआ है, तो ये भी एक न्यूट्रल स्पीसीज है लेकिन लिगेंड है, क्योंकि लोन पेयर तो है एक जो दे सकता है, सॉरी न्यूट्रल नहीं, ये भी एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है जो कि लिगेंड है। तो लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल भी हो सकता है। ये एक क्लासिफिकेशन था। लिगेंड को और भी तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। ये डेंटिसिटी क्या है? कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं, इसमें लिख लो सबसे पहले, सम लिगेंड्स सम लिगेंड्स कैन यूज मोर देन वन डोनर एटम्स, कुछ लिगेंड एक से ज्यादा डोनर एटम यूज कर सकते हैं, कुछ एक यूज कर सकता है, कोई दो यूज कर सकता है, और इसी के आधार पर हम लोग डेंटिसिटी के नाम पर अलग अलग लिगेंड को क्लासिफाई करते हैं। जैसे देखो, अभी तुरंत तुम्हें डेंटिसिटी का मतलब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट मतलब जो एक ही एटम से दे सकता है लोन पेयर, लिगेंड विथ ओनली वन डोनर एटम को मोनोडेंटेट बोलोगे। डेंटेट क्या है? डेंटेट मतलब कितने एटम से वो दे सकता है सेंट्रल मेटल को। देखो दांत होता है ना, किसी को पकड़ना है तुम्हें तो हाथ से पकड़ सकते हो, किसी को पकड़ना है तो दांत से ही पकड़ सकते हो, तो डेंटिसिटी वर्ड वहीं से आया है। ऐसा लगता है कि जो लिगेंड है वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बहाने सेंट्रल मेटल को पकड़ के रखता है, जो लिगेंड है यहां पर देखो, ये जो लिगेंड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बहाने सेंट्रल मेटल को पकड़ के रखता है, तो बोलते हैं ये अपने दांत से पकड़ के रख लिया। दांत से पकड़ने का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना। तो जिसके पास एक ही एटम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला, उसके पास बोलेंगे एक ही दांत है। दांत मतलब, दांत का अंग्रेजी क्या होता है? टीथ होता है ना, लेकिन डेंटिस्ट वर्ड दांत से आया ना, डेंटिसिटी, ठीक है। तो एक डोनर एटम है तो उसको बोलेंगे वन डेंटिसिटी या मोनोडेंटेट है।
या फिर इसको एक एक और बात बोलते हैं, यूनिडेंटेट बोलते हैं, यूनिडेंटेट ये भी लिख लोगे। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया NH3 एक ही डोनर एटम है, ये मोनोडेंटेट। कितना डेंटेट है? मोनोडेंटेट। जैसे H2O अच्छा ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है, कितना लोन पेयर है उससे मतलब नहीं, हमने क्या बोला कितने डोनर एटम है, देने वाले कितने एटम है, एक ही एटम है ना, ये है मोनोडेंटेट। क्लियर है ना? देने वाले एटम के पास कितना लोन पेयर है इससे मतलब मत गिनना, देने वाला एटम कितना है, तो ये है मोनोडेंटेट। और बताओ Cl माइनस, एक ही एटम ही है, लोन पेयर इसके पास कितने भी हो सकते हैं उससे मतलब नहीं, एक एटम है देने वाला, मोनोडेंटेट। OH माइनस एक एटम है देने वाला, मोनोडेंटेट। कोई दिक्कत? मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट। दूसरा क्या है? डेंटेट मतलब कितना डोनर एटम है, एक डोनर एटम है तो मोनोडेंटेट, एक ही दांत है उसके पास पकड़ने को, किसको पकड़ने को, सेंट्रल मेटल को। दूसरा है बायडेंटेट या डाइडेंटेट। बाय या डाई दोनों वर्ड यूज करते हैं, बायडेंटेट या डाइडेंटेट। लिगेंड विथ टू डोनर एटम, अगर किसी के पास दो डोनर एटम हो जाए तो उसको बायडेंटेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल NH2 CH2 CH2 NH2 एक डोनर एटम, दो डोनर एटम, बायडेंटेट हो गया। कोई दिक्कत? बायडेंटेट हो गया। और भी बायडेंटेट है कई सारे, जैसे पहले एक क्वेश्चन बताते हैं तब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा बायडेंटेट। एक क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बायडेंटेट बायडेंटेट लिगेंड। बायडेंटेट लिगेंड जैसा कौन कौन एक्ट कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल देखो, चार ऑप्शन देते हैं, NH2, एक से ज्यादा ऑप्शन भी ट्रू हो सकते हैं, ध्यान देना, ठीक है ना। ये कार्बन है, ध्यान देना, ये CH2 है और ये CH2 है। बीच में क्या है? CH2 है। इसमें से कौन कौन बायडेंटेट लिगेंड जैसा यूज हो सकता है? चलो जल्दी से टिक करो, और एक से ज्यादा ऑप्शन भी ट्रू हो सकते हैं।
चलो तुम लोग का आंसर आ गया होगा, अब हम आंसर बताते हैं। आंसर इसका है बी और ये लोग नहीं है आंसर। खैर घबराओ मत, क्योंकि क्यों नहीं है ये हम अभी तुम्हें बताने वाले हैं, बताए नहीं है अभी तक। देखो ये है सेंट्रल मेटल, कौन है मेटल है, और पहला एग्जांपल कौन सा है, पहला है NH2 और NH2। तो चलो NH2, NH2 और ये NH2 है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे दोनों से, इसके पास ये एक लिगेंड है जिसके पास दो एटम है, जिसके पास लोन पेयर है, दो डोनर एटम है, क्लियर है ना। इस लिगेंड के पास दो डोनर एटम है, लेकिन दोनों डोनर एटम का अगर यूज कर ले तो थ्री मेंबर का रिंग बनेगा, और तुम्हें पता है थ्री मेंबर्ड रिंग इज नॉट स्टेबल, सिर्फ एक साइक्लोप्रोपेन बनता है जो कि हाईली अनस्टेबल है, ये भी हमने बताया तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, साइक्लोप्रोपेन में अनस्टेबिलिटी आ जाता है, रिंग स्ट्रेन आ जाता है, इसीलिए इनऑर्गेनिक में इस टाइप का बनता ही नहीं है। थ्री मेंबर्ड रिंग इज नॉट फॉर्म्ड, फोर मेंबर्ड रिंग इज नॉट फॉर्म्ड, इनऑर्गेनिक में थ्री और फोर मेंबर्ड रिंग नहीं बन पाते हैं, बहुत रेयरली बनते हैं फोर मेंबर्ड, तो ये अनस्टेबल अनस्टेबल रिंग थ्री मेंबर्ड, इसीलिए ये नॉट बाइडेंटेट, ये बायडेंटेट वाला इसके पास एटम तो है दो, पर ये कभी भी अपने जीवन में बायडेंटेट जैसा एक्ट नहीं करता है। चलो तो ए तो समझ में आ गया कि थ्री मेंबर रिंग बन रहा है इसलिए बायडेंटेट जैसा एक्ट नहीं करेगा। बी बी करेगा क्या, बी कर लेगा। बी देखो क्या है, ये सेंट्रल मेटल है, NH2 है, बीच में CH2, CH2 और फिर से ये NH2 है, कितने मेंबर का रिंग बना बताओ तो, वन टू थ्री फोर फाइव, नहीं वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव मेंबर रिंग, बहुत सुंदर बात है, फाइव मेंबर रिंग स्टेबल, स्टेबल फाइव मेंबर रिंग, ठीक है, इसलिए ये डाइडेंटेड जैसा, ये दोनों नाइट्रोजन से अपना लोन पेयर दे देगा। अब ये वाला यही केस हो गया, देखो ये केस और ये केस कॉमन हो गया, ये केस और ये केस कॉमन हो गया, ये भी नहीं हो गया। यहां पर देखो ये केस हो सकता है क्या, देखो ये सेंट्रल मेटल है, ये एक नाइट्रोजन है जिससे लोन पेयर आ गया, अब इस नाइट्रोजन से रिंग बना हुआ है, ध्यान देना क्या बना हुआ है, रिंग बना हुआ है, ऐसा रिंग बना हुआ है, देखना ऐसा ही रिंग बना हुआ है, देखो बना हुआ है ना, दो कार्बन बीच में, फिर से दो कार्बन, फिर दो कार्बन, ये कई सारे रिंग बने हुए हैं, कई सारे रिंग इस तरीके से बने हुए हैं। तो अब देखो क्या है कि अगर तुम चाहोगे, ये तो नाइट्रोजन, ये रिंग हो गया, अब तुम्हारे पास क्या तरीका है, सेंट्रल मेटल अगर इधर से आएगा तो ये जो रिंग है सेंट्रल मेटल को बहुत नजदीक आने से रोकेगा, ये वाला रिंग, तो सेंट्रल मेटल इस नाइट्रोजन से भी और इससे भी बॉन्ड बनाना चाहे तो दोनों नाइट्रोजन से इतना दूर हो जाएगा किसी से भी बॉन्ड नहीं बना पाएगा इस रिंग के चलते, ये रिंग जो है ये वाला, और इसको नजदीक नहीं आने देगा। ऊपर से भी वही स्थिति है, किसी भी डायरेक्शन से हो तीनों तरीके, ये देखो ये जो रिंग है ये इस तरीके से है पूरा, इधर से भी आओगे तो वही दिक्कत है कि इस रिंग के चलते सेंट्रल मेटल और ज्यादा यहां से ज्यादा नजदीक नहीं आ सकता है,
और यहाँ से नाइट्रोजन से काफी दूरी पड़ेगा उसको, किसी से भी बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो इस सेंट्रल मेटल के पास एक ही ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? सेंट्रल मेटल के पास एक ही ऑप्शन है कि किसी नाइट्रोजन के बगल में आ जाए, यहां पर आ जाए, और इस नाइट्रोजन के बगल में अगर आ गया तो इस नाइट्रोजन से यहां तक बॉन्ड नहीं बन पाएगा। इसीलिए यहां पर भी ये भी डाइडेंटेट जैसा काम नहीं कर पाएगा। तो डाइडेंटेट लिगेंड का एक सिंपल सा कंडीशन है जो जनरली अप्लाई हो जाता है, वो क्या कंडीशन है? डोनर एटम्स जो हैं वन टू थ्री और फोर्थ, डोनर एटम वन और फोर्थ पोजीशन पर होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, वन टू थ्री फोर, डोनर एटम अगर वन फोर्थ पोजीशन पर रहेगा, एक वन टू थ्री फोर्थ, तो फाइव मेंबर्ड रिंग बनेगा। और फाइव मेंबर्ड रिंग जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मोस्ट कॉमन है। 99% कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर रिंग बनता है कहीं पर तो वो फाइव मेंबर्ड ही बनता है। कुछ केसेस में सिक्स मेंबर्ड बनते हैं, फोर मेंबर्ड और सिक्स मेंबर्ड कुछ केसेस में बनते हैं। क्लियर है ना? सिक्स मेंबर्ड और फोर मेंबर्ड दोनों रेयर है, वो कभी कभी बनते हैं, और जब उसकी बात आएगी तभी हम लोग उसका कहां पर सिक्स मेंबर्ड बनेगा, कहां पर फोर मेंबर्ड बनेगा, दो तीन एग्जांपल ये हैं, उसको आगे चल के हम लोग कवर करेंगे। अभी फिलहाल के लिए लिख लो, फॉर अ डाइडेंटेट लिगेंड, फॉर अ डाइडेंटेट लिगेंड द टू डोनर एटम शुड बी एट वन टू थ्री फोर, वन फोर पोजिशन। फॉर डाइडेंटेट लिगेंड द टू डोनर एटम शुड बी एट वन फोर पोजिशन। डाइडेंटेट लिगेंड होने के लिए दो डोनर एटम जो है वो वन फोर पोजिशन पर है। फॉर डाइडेंटेट लिगेंड द टू डोनर एटम शुड बी एट वन फोर पोजिशन। तो वन फोर पोजिशन पर है तो हो सकता है, लेकिन वहां पर भी आपको एक छोटा सा बात ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहां पर वन फोर पोजिशन में देखो, ये वन टू थ्री और फोर, लेकिन यहां पर रिंग इस तरीके से बन गए। खैर ये एकमात्र एग्जाम्पल है, और दूसरा एग्जाम्पल तुम्हें मिलेगा नहीं नेचर में ऐसा, इसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो रिंग वाला केस तो तुम्हें मिलेगा नहीं, इसलिए हमने बताया नहीं कुछ कि रिंग वाला उसमें एक रूल ऐड कर लो कि वन फोर पोजिशन के अलावा रिंग भी देखना है। नहीं, बस तुमने अगर ये देख लिया, क्योंकि इसके अलावा नया एग्जाम्पल कोई मिलेगा नहीं रिंग वाला, जिसमें लिगेंड के अंदर ही रिंग हो जाए। तो लिगेंड हमेशा तुमको इस तरीके का दिखेगा, लीनियर टाइप का, लीनियर यानी सॉरी ओपन चेन वाला ऐसा कुछ मिलेगा, इस टाइप से लिगेंड मिलेंगे तुम्हें। बस क्या देखना है, डोनर एटम वन फोर पोजिशन पर, यहां पर डोनर एटम वन टू पोजिशन पर है, नहीं यहां पर वन टू थ्री फोर, वन फोर पोजिशन पर है, तो ये बायडेंटेट हो जाएगा। यहां पर ये तो रिंग वाला अलग केस हो गया, यहां पर वन टू पोजिशन पर डोनर एटम है, इसका मतलब ये जो है बायडेंटेट नहीं हो सकता है। डोनर एटम को वन फोर पोजिशन पर रहना चाहिए, ठीक है? चलो अब हम लोग अगले क्लास में जब मिलेंगे तो वहां पर हम लोग ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट या पॉलीडेंटेट, इन सबको एक कैटेगरी में बांट सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो पॉलीडेंटेट वगैरह लिगेंड के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।